श्रीमान गुलाब नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूँ, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी, वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी। बहुत साल पहले की बात है, श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूँ, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी, वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है जी। बहुत साल पहले की बात है।